अगर आप अपने फेस के कालेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपने फेस को थोड़ा ब्राइट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत अमेजिंग है, सिर्फ दो चीज़ों से आपके फेस को इतनी अच्छी रंगत निखर आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आपका कोकोलिप्स में। होप यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छा सा फेस पैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके फेस पर एक बहुत ही अच्छा गोरापन लाने के लिए, यानी कि आपके फेस का जो शेड है, आपका जो फेस का टोन है, उसको एक टोन एक शेड ब्राइट करने के लिए। तो बहुत आसान सी रेमेडी जिसमें हम ले रहे हैं, हमें लेना है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा होता है। अगर आपको फेस का अपना साफ करना है, आपको लगता है आपके फेस बहुत काला पड़ चुका है, तो आप मुल्तानी मिट्टी के सिवा कहीं जा ही नहीं सकते। मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस को गोरा करने में बहुत मदद करता है, आपके फेस को बहुत अच्छे से क्योर करता है। अगर आपके फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपके फेस पे एक्सेस ऑयल ही निकलता है, और बहुत सारे इसके गुण हैं। इसके बाद हमने इसमें लेना है, तो अगर आपके पास वाइटमिन ई का कैप्सूल है तो आप उसको ले लीजिए। 1 वाइटमिन ई का कैप्सूल यहाँ पर हमें यूज़ करना है। अगर आपके पास वाइटमिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप कोई ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें लेना है टोमेटो का प्यूरी, मतलब टोमेटो का जूस। तो मैं यहाँ पे ऐसे टोमेटो को स्क्वीज़ कर ले रही हूँ, आप चाहे तो इसको कद्दूकस करके भी इसका निकाल सकते हैं जूस। इसमें विटामिन सी होता है जो आपके फेस के टैन को हटाता है, आपके फेस को ब्राइटन अप करता है। अब हमें इसको अच्छे तरह से मिलाना है, जिसके पहले हमें उसके बाद हमें इसमें लेना है चंदन पाउडर, मतलब सैंडलवुड पाउडर। 1/2 चम्मच आपको इसमें सैंडलवुड पाउडर लेना है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इसमें मुल्तानी मिट्टी ले ली है। चंदन जो पाउडर होता है आपके फेस पे बहुत ही अच्छा निखार लाता है। तो यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच चंदन पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर एलोवेरा जेल आपके पास मार्केट वाला नहीं है तो आप प्लांट बेस्ड भी ले सकते हैं। अब हमें इसको मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको मिक्स करने के लिए या तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास गुलाब जल फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मुझे थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से नहीं बनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा और पानी ऐड कर ले रही हूँ। और इसको इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाना है, एकदम गाढ़ा सा पेस्ट। देखिए कुछ इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है। अब ये हमारे फेस पर लगने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको अपने फेस पे लगाना है और रिजल्ट देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने फेस। तो दोस्तों, अभी जो हमने फेस तक बनाया है उसके लिए पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना होगा। क्लीन करने के लिए जो हमने टमाटर का जूस निकाला था उसको ही हमें रीयूज़ करना है। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, जो 1/2 कटा हुआ टमाटर हमने यहाँ पर लिया था, जिसके जूस हमने अच्छे से निकाल लिए हैं, अब हम उसमें थोड़ा सा हनी मिलाएंगे, कुछ इस तरह से हनी हम इसमें मिला लेंगे और अपने फेस पे अब हम इसे रब करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से आपको उस पर मसाज करना है, जो आपके पोर्सेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। बहुत ही अच्छा होता है टमाटर में, मैं आपको बता दूँ कि विटामिन सी होता है जो आपके फेस के टैन और पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। तो आपको जहाँ बहुत ज़्यादा टैन हो रखा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रखा है, आप वहाँ पर इसे बहुत देर तक अच्छे से मसाज करेंगे तो वो हल्के होने लगेंगे धीरे धीरे। और आप इसको अपने आँखों के नीचे भाग पे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही जेंटल तरीके से, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो देखिए, लगभग आपको इसको 5 से 10 मिनट तक यूज़ करना है अपने पूरे फेस पे। हमें इसे यूज़ करने के बाद अपने फेस को वाइप ऑफ करना है, और जो हमने फेस पर बनाया अब हमें उसे स्टार्ट करना है अपने फेस पे लगाने के लिए। तो मैं आपको अपना फेस वॉश करके आती हूँ और उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट करेंगे। तो फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, और अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फेस पैक जो हमने यहाँ पे बना के रखा था। अब मैं इसको अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह से लगा लूँगी। आप चाहे तो इसको अपने हाथों से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्रश से यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मुल्तानी मिट्टी ना बहुत अच्छा होता है। अगर आपका फेस बहुत ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह बेसन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फेस नॉर्मल है तो अब आपका फेस ड्राई ना हो, इसलिए मुल्तानी मिट्टी लगाकर मुल्तानी मिट्टी में आप थोड़ा सा हनी भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा जो फेस है कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे मैंने हनी या फिर विटामिन ई का इस्तेमाल किया है। तो आपके पास भी टोटली ऑप्शन है, आप दोनों ही में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं।
और जो हमने इसमें वाइटमिन ई डाला है, आपको बता दूं वाइटमिन ई मैंने इसलिए डाला ताकि आपके फेस को अच्छे से नरिश कर सके, आपके फेस को ड्राई होने न दे। अगर आपका फेस ऑयली है ना, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है, बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी। आपको सिर्फ एक बार इसे यूज़ करना है, आपका स्किन बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 7 to 8 days यूज़ करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट विजिबल होता है। मुल्तानी मिट्टी की एक बहुत अच्छी खासियत है कि आपके फेस को ना बहुत अच्छे से ये क्योर कर देता है। मतलब अगर पिंपल्स वगैरह होना तो भी आपके फेस पे जल्दी से इसको निकाल देता है, या फिर पिंपल्स को धीरे धीरे उसको मतलब मुरझा देता है हम कह सकते हैं, और बहुत अच्छा वर्क करता है। और यहाँ पे जो हमने टोमेटो का जूस डाला है वो आपके टैन को ख़त्म करेगा, क्योंकि हमने टोमेटो के जूस को टोमेटो को हमने तो अपने फेस पर अच्छे से मसाज दिया था। उसके बाद हमने इसको जो जूस है उसको हमने इसमें यूज़ करके अपने फेस पर लगाया है ना, तो वो क्या करेगा, उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो आपके फेस पे जो टैन है, पिगमेंटेशन, उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करेगा, और आपका फेस अच्छी तरह से बहुत ही ब्राइटनेम होके दिखेगा। तो देखिए बहुत अच्छे से मैं अपने फेस पे लगा चुकी हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट इसको सूखने तक का वेट करना है। सूखने तक का वेट मतलब कि आपको, अगर मैं बताती हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हो तो आपको इसको पूरा नहीं सुखाना है। अगर आप पूरा सुखाएंगे तो आपके फेस को बहुत ज़्यादा ये ड्राई कर देगा। आपको क्या करना है ना, आपको इसको सेमी ड्राई करना है। जी हाँ, सेमी ड्राई इसको सुखाना है, उसके बाद आपको वाइप ऑफ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे अपने फेस पे लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको रखूँगी लगभग 10 मिनट तक, मतलब जब तक मेरा फेस सेमी ड्राई ना हो, क्योंकि मैं रोज़ कोई ना कोई अपने होम रेमेडीज क्योंकि मैं रोज़ कोई ना कोई अपने होम रेमेडीज इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे पूरा इसे सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको आपको मिलूंगी एटलीस्ट 10 मिनट्स के बाद। तो देखिए ये सेमी ड्राई हो चुका है, लगभग मुझे 7 to 8 मिनट्स लगे थे इसको सेमी ड्राई होने में, तो ये ऑलमोस्ट सेमी ड्राई हो चुका है। अब हम मुझे इसे इमिडिएटली वॉश करना है, तो मैं आपको वॉश आउट करने के बाद बताती हूँ कि इसका रिजल्ट एक्चुअली में कैसा है। और फेस वॉश मैंने कर लिया है, इतना सॉफ्ट और स्मूथ मुझे फील हो रहा है। बट क्या होता है ना कि आपको ये यूज़ करने के बाद थोड़ा सा आपको इचनेस लगेगी, इचनेस तो नहीं बोल सकते, बट आपको ये यूज़ करने के बाद ना थोड़ा सा आपका फेस ड्राई रहेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए आप कोई भी बहुत अच्छा सा सनस्क्रीन ले ले या फिर मॉइस्चराइज़र ले ले, और अपने फेस पे अच्छे से लगा के इसको अपने फेस पर ब्लेंड कर दे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सनस्क्रीन अपने फेस पे लगाते हैं तो क्या होता है, वो अच्छे से आपके स्किन को हाइड्रेट कर देता है, और आपके स्किन पे कोई भी लेयर्स जमा नहीं होने देता, कोई भी डस्ट जमा नहीं होने देता, और आपका फेस हमेशा अच्छी तरह से हाइड्रेट रहता है। तो देखिए मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन या फिर आपके पास कोई ब्रांड का मॉइस्चराइजर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉइस्चराइजर नहीं भी है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर अच्छे से, और इसको लगा कर अगर आप रात में कर रहे हैं तो सो जाइए, नेक्स्ट डे आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे, बहुत अच्छा आपको फील होगा। आप ये एटलीस्ट 7 to 10 days करिए, देखिएगा आपका फेस पहले जितना बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ, बहुत ही अच्छा ही वर्क करता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।